Sambodhi Retreat, a world-class resort. Food, swim, stay, enjoy. Experience your dreams at Sambodhi Retreat, Bodh Gaya and Dhanbad. मुजफ्फरपुर कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने आज फिर नीतीश को लपेटे में लिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ नीतीश कुमार के निजी संबंध है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ब्रजेश के बेटे के जन्मदिन पर केक खाने उसके घर गए थे। इसके अलावा नीतीश की मर्जी से ही ब्रजेश के अखबारों को करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे थे। तेजस्वी ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई और एफएसएल की टीम आज जांच के लिए बालिका गृह पहुंची। टीम ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर के आवास और अखबार के कार्यालय का भी दौरा किया और कुछ जरूर सबूत जुटाए। मुजफ्फरपुर कांड को लेकर बिहार में हर दिन सियासत हो रही है। इसी कड़ी में आज सीपीआईएमएल के लोगों ने पटना में राजभवन मार्च किया। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की। सृजन घोटाले का आकार अब 19 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 625 पन्नों की रिपोर्ट में सृजन महिला विकास सहयोग समिति से उपकृत होने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। जांच के जद में कई अधिकारी और पूर्व डीएम भी शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गरीब छात्रों को पढ़ाई में मदद करने जा रही है। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 4 लाख रुपए तक की धनराशि लोन के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया। मंच से भाषण देते हुए शाह ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ममता सरकार ने हिंदुओं पर जुल्म ढाया तो फिर उसे बुरे अंजाम भी भुगतने होंगे। झारखंड में स्कूलों के विलय का निर्णय रघुवर सरकार के लिए गले का फांस बनता जा रहा है। पहले से विपक्ष के विरोध को झेल रही सरकार को अब अपनी ही पार्टी के 11 सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम बीजेपी सांसदों ने रघुवर दास को खत लिखकर मामले में आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार को कहा है। बिहार के कई जेलों में प्रशासन की टीम ने आज एक साथ दबिश दी। पटना समेत राज्य के दूसरे जेलों में एक साथ शुरू हुई छापेमारी से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इन जेलों में धावा बोला, जहां से कुछ मोबाइल फोन और ब्लेड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम आज गया, बांका और जहानाबाद के जेलों में भी पहुंची। भारी संख्या में सुरक्षा बल के साथ 7 जेल के हर कोने की तलाशी ली गई। अचानक सुबह सुबह हुई इस छापेमारी से जेल में हड़कंप का माहौल दिखा। तलाशी के दौरान कुछ जेल से मोबाइल फोन, चार्जर के अलावा नशे का सामान भी बरामद हुआ। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश से कोसी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यही वजह है कि खगड़िया और सुपौल में बाढ़ का पानी तबाही मचाने लगा है। यहां कई गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही इन इलाकों में लगी सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रिपोर्टर्स 11 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। शुक्रवार को पीएमसीएच में गार्ड द्वारा बच्चे की पिटाई की खबर दिखाई जाने को एसएसपी मनु महाराज ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई करते हुए आरोपी 2 जवानों को निष्कासित करने की अनुशंसा की। बांका पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बौसी इलाके में पुलिस ने छापेमारी करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से चोरी की गई 6 बाइक को भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए चोरों से पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। मोतिहारी के कल्याणपुर इलाके में पुलिस ने आज चोरी के 2 वाहन को बरामद किया। जांच में पता चला कि जब्त किए गए गाड़ियों के चेचिस और इंजन नंबर मिटा दिए गए हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट भी फर्जी पाया गया है। लखीसराय के चानन इलाके में खेत के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। हैरत की बात यह रही कि मारपीट के दौरान कुछ लोग सरेआम हाथ में हथियार लहराते नजर आए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद तफ्तीश जारी है। हाजीपुर में आज एक युवक ने गंडक पुल से नदी में कूदकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के बाइक को बरामद किया। युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ को लगाया गया है। फिलहाल खुदकुशी करने वाले की पहचान नहीं हो पाई है। लखीसराय के बड़हरिया इलाके में कांवड़ियों से भरी बस पलट गई, जिसमें 30 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हाय, मैं हूं संभावना सेठ। सही और सटीक न्यूज देखने के लिए देखते रहें रिपोर्टर्स 11। Bye.
बस एक बटन दबाएं और जीते ढेरों इनाम, मोबाइल, घड़ियां, चांदी के सिक्के और ढेरों इनाम। बस रिपोर्टर्स 11 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बन जाए विजेता। अब आप भी बने रिपोर्टर और भेजें अपनी खबरें सिर्फ रिपोर्टर्स 11 पर। सच दिखाने की ताकत रखते हैं हम। अगर आपके अंदर है कुछ करने का दम तो हमसे जुड़े।